Hello, Ajay Mahato this side. I hope you all are doing fine there. In the last lecture, we discussed about structure of DNA, which is polynucleotide, and discoveries related to structure and composition of DNA. We discussed in last lecture, and we were discussing about Friedrich Mischer, who discovered about nucleine, and Levine, who tells us ki bhai चार तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं. देन वी डिस्कस एर्विन चारगव रूल. ठीक है, फिर आते हैं वेरी फेमस साइंटिस्ट जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, हु डिस्क्राइब्ड अबाउट डबल हेलिक्स मॉडल. वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी बोलते हैं. इनका क्या, इनका जो एक्सपेरिमेंट था डबल हेलिक्स मॉडल का, इट वॉज बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा प्रोड्यूस बाय मॉरिस विल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन. सेम ईयर की बात है, 1953. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इस मॉडल का क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, मतलब ए कंबाइन करेगा टी के साथ विद डबल बॉन्ड एंड सी कंबाइन करेगा जी के साथ विद ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, तो ATCG की जो ये पेयरिंग बता के गए थे, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रिमार्केबल. रिमेंबर, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल वॉज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. समझ आ गया. ठीक है, वॉटसन और क्रिक क्या बोलते हैं कि ये जो डीएनए है, डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एज वी कैन सी हियर. एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ये है और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन यहां नजर आ रही है. और ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन देखोगे अगर आप, तो कैसे जुड़ी है, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, और बीच में कौन से बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन के अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं. ठीक है, तो अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, और आप देखो सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, सी और जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, याद रखना. तो इसका बैकबोन ये याद रखना, दे सेड कि डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एंड बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट. जो शुगर है, यानी कि इट कैन बी राइबोस शुगर एज वी डिस्कस्ड. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज वॉच. दो तरह के शुगर हमने डिस्कस किए थे, पेंटोज शुगर दो तरह के पढ़े थे हम लोगों ने, राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर. राइबोस शुगर इन केस ऑफ आरएनए और डीऑक्सी राइबोस शुगर इन केस ऑफ डीएनए. तो शुगर और फॉस्फेट. वाइल द नाइट्रोजन बेसिस प्रोजेक्ट इनवर्ड, बाहर की तरफ तो आप बैकबोन कौन करेगा काम, बैकबोन की तरह. फॉर एग्जाम्पल डीएनए की बात करें तो डीऑक्सी राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप. और अगर हम बात करें अंदर की तरफ, जोड़ने का काम कौन करेगा दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को, तो वो जोड़ने का काम करेगा नाइट्रोजन बेसिस. ठीक है, दो चेन्स होंगे और देयर विल बी एंटी पैरेलल पोलैरिटी. व्हेन आई से एंटी पैरेलल पोलैरिटी, व्हाट डू आई मीन. एंटी पैरेलल पोलैरिटी का मतलब है कि एक डीएनए की स्ट्रैंड आपको अगर 3-5 नजर आ रही है, तो दूसरी स्ट्रैंड आपको क्या नजर आएगी, 5-3, एज वी कैन सी. एक स्ट्रैंड की शुरुआत, इसका 3-5 और 5-3 का मतलब समझो. एक स्ट्रैंड अगर शुरू हो रही है 3- से, ठीक है, मतलब एक स्ट्रैंड अगर शुरू हो रहा है OH ग्रुप से, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई OH ग्रुप कहां पर प्रेजेंट होता है, थर्ड पे. ठीक है, थर्ड कार्बन पे. तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन शुरू हो रहा है कैसे, OH से शुरू हो रहा है, तो दूसरा इसके ठीक वाला, वो किधर, इसके ठीक सामने वाला पैरेलल वाला, वो शुरू होगा 5- से, और 5- पर क्या होता है, फॉस्फेट. तो इसका ठीक उल्टा, एक हो रहा है अगर 3- पे शुरू, तो खत्म किस पे होगा, फॉस्फेट पे. जहां ये खत्म हो रहा है, यहां ये शुरू हो रहा है, तो एक स्ट्रैंड जो है वो 3- पे शुरू हो रही है, 5- पे खत्म हो रही है, तो वही दूसरी स्ट्रैंड वो 3-5 नहीं हो सकती. क्यों, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट है किसका, एंटी पैरेलल पोलैरिटी का. किसका कॉन्सेप्ट है यहाँ, एंटी पैरेलल पोलैरिटी, मतलब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से पैरेलल होंगे और एंटी होंगे, ऑपोजिट होंगे. राइट, एक की पोलैरिटी क्या होगी, एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी होगी 3-5, जिसमें 3- पर क्या लगा हुआ होगा, OH, और 5- पर क्या लगा होगा, फॉस्फेट. तो इसके ठीक सामने OH अगेन नहीं लग सकता, अब यहां क्या लगेगा, फॉस्फेट लगेगा, तभी तो एंटी पैरेलल पोलैरिटी होगी. राइट, नेक्स्ट थिंग हियर इज, ये जो बेसिस होते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो बेसिस होते हैं, यहां पर बेसिस के बीच में, यानी कि जो नाइट्रोजन, थर्ड पॉइंट, दिस वाज फर्स्ट पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट एंड आई एम राइटिंग थर्ड पॉइंट. तो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि ये जो बेसिस होंगे, ये बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेसिस, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसिस या बेस पेयर्स. अच्छा, ए पार्ट क्या कहता है कि एडिनिन थायमिन के साथ बाइंड करेगा विद डबल बॉन्ड, टू हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, और साइटोसिन गुआनिन के साथ बाइंड करेगा विद थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट, विद थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, सो प्यूरिन बाउंड विद द पायरिमिडिन ऑलवेज. आप देखोगे प्यूरिन बाइंड करता है हमेशा किसके साथ, पायरिमिडिन के साथ, मेंटेनिंग अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स. ठीक, एक और बात वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये राइट हैंडेड फैशन में कॉइल है. तो ये टू पॉलीपेप्टाइड चेन आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन. ठीक है, राइट हैंडेड फैशन. और एक पिच ऑफ द हेलिक्स जो होगा उसकी लेंथ कितनी होगी. अब पिच ऑफ द हेलिक्स समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए, ठीक है, ये एक डीएनए, या आपने क्या देखी होगी, एक सीढ़ी देखी होगी, जो हवेली फॉर एग्जांपल एक हवेली है या कोई टैंक देखा हो, वाटर टैंक, वहां पर सीढ़ियां जो होती है वो सर्कुलर होती हैं, और डीएनए भी कुछ इसी तरह से है, राइट हैंडेड फैशन में मूर्ति हुई सीढ़ियां हैं. तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि दिवाली है और इस पर लाइट लगानी है, तो मैं बोलूंगा आपसे कि एक काम करो, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, ठीक है, और आप क्या करो, ऐसा सर्कल में घूमते हुए जाओ ऊपर, ठीक है, और बिल्कुल आपको क्या करना है, 90 डिग्री बिल्कुल सीधे यहां पर आ जाना है और फिर मुझे आवाज देनी है. तो इतना 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 कवर करोगे जब आप, तो एक पूरा हेलिक्स कवर कर लोगे, एक पूरा सर्कल कवर कर लोगे, राइट, एक पूरा सर्कल कवर कर लोगे. अगर मैं यहां खड़ा हूं और आपको मेरे सर के ऊपर ठीक आना है, तो आप एक पूरा सर्कल कवर कर लोगे, राइट, पूरा एक सर्कल कवर कर लोगे इस तरह से पूरा एक सर्कल कवर कर लोगे. तो जब ये पूरा सर्कल कवर हो जाएगा तब आप बोलोगे दिस इज द लेंथ ऑफ हेलिक्स. ये होता है एक हेलिक्स डीएनए में, है ना, जब एक पूरा एक सर्कल कवर हो जाए. ठीक है, जब एक पूरा हेलिक्स कवर हो जाए उसे बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स. ठीक है, क्या बोलते हैं, पिच ऑफ द हेलिक्स. अब इस पिच ऑफ द हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है, कि पिच ऑफ द हेलिक्स की लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर. कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 3.4 × 10⁻⁹ मीटर. ठीक है, ये क्या है, पिच ऑफ द हेलिक्स. पिच ऑफ द हेलिक्स कैसे बताया मैंने आपको, मान लो ये एक सर्कुलर स्टेयर्स हैं और आप एक पूरा राउंड लेकर फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हो, तो पूरा जो आपने राउंड लिया है तो ये पूरे राउंड को क्या बोलोगे आप, पिच ऑफ द हेलिक्स. समझ आ गया, नाउ इट इज क्लियर. नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट नंबर ऑफ टोटल बेस पेयर्स प्रेजेंट इन ह्यूमन. टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होते हैं एक ह्यूमन के पास, तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन द डीएनए हेलिक्स इज टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन डीएनए इज इन केस ऑफ मैमल सेल इट इज 6.6 × 10⁻⁹. ठीक है, 6.6 × 10⁻⁹. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच में गैप जो होगा, मान लो मैं बोल रहा हूं दो सीढ़ियों के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव सीढ़ियों के बीच में कितना डिस्टेंस है, है ना, तो आप बोल रहे हो डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स इन अ हेलिक्स, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स इन अ हेलिक्स वो कितना है, वो है अराउंड 0.34 नैनोमीटर. यानी कि 0.34 मल्टीप्लाई में
10^-9 मीटर, ठीक है। अब अगर आपको लेंथ ऑफ डीएनए निकालनी हो, ध्यान देना, अगर आपको लेंथ ऑफ डीएनए निकालनी है तो व्हाट वुड बी फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ डीएनए, आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर को मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं ये देखोगे, और मान लो दो ये सीढ़ियां हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है ये देख लिया, और टोटल ऐसे कितनी सीढ़ियां हैं वो काउंट कर लो। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे दो, मैथ्स का सवाल सिंपल, तो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स इन अ हेलिक्स, और उसको मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं कितने टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर से, तो क्या लेंथ ऑफ डीएनए नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो सिंपल, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है, लेंथ ऑफ डीएनए, ये याद रखना, दिस इज फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ डीएनए। और लेंथ ऑफ डीएनए कैसे आएगा, 6.6 × 10^9 मल्टीप्लाई में 0.34 मल्टीप्लाई में 10^-9 मीटर, राइट। तो आंसर वुड बी अराउंड 2.24 मीटर अप्रॉक्स। तो इट इज वेरी सरप्राइजिंग टू नो कि एक माइक्रोस्कोपिक सेल, विच इज मान लो यूकैरियोटिक सेल है, तो ह्यूमन सेल है फॉर एग्जांपल, तो एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर, ठीक है, जो न्यूक्लियस है इवन माइक्रोस्कोपिक, उसके अंदर एक 2.2 मीटर का डीएनए कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, राइट। यानी कि यहाँ पर जो कॉइलिंग हुई होगी, विच इज वेरी ग्रेट कॉइलिंग, राइट। दस वी सी दैट लेंथ ऑफ डीएनए इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस, विच इज अराउंड 10। न्यूक्लियस का अगर स्ट्रक्चर आप मुझसे पूछो तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियस इज अराउंड 10^-6 मीटर इन डायमीटर। तो किस तरह से ये कॉइलिंग हुई है, किस तरह से ये पैकेजिंग हुई है, किस तरह से ये पैकेजिंग हुई है कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पूरा का पूरा 2.4 मीटर का डीएनए कॉइल्ड है, एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। किस तरह से ये कॉइलिंग हुई है, सो लेट्स सी। अब दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, राइट। दो तरह के सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में अलग तरह की पैकेजिंग होगी, क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि ई कोलाई, उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, सो डीएनए इज हेल्ड टुगेदर बाय सम प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए या जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो तो क्या होगा, वो इस सेंटर पार्ट में साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरा हुआ होगा, कोई न्यूक्लियस तो होगा नहीं, तो डीएनए को कौन पकड़ के रखेगा, डीएनए नेगेटिवली चार्ज डीएनए विल बी हेल्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए, किसके साथ कंबाइन करेगा, विद पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के साथ, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ, ठीक है। एंड दिस स्ट्रक्चर, कंबाइंड स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव चार्ज डीएनए एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन विल बी नोन एज, क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलेंगे न्यूक्लियोइड, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। रिमेंबर, सिर्फ और सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल में थोड़ा स्ट्रक्चर आपको पता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इज मच मोर कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट। यहाँ पर आपको न्यूक्लियस मिलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलता है, ऑर्गेनल्स आर वेरी वेल डिफाइंड, राइट। तो यहाँ पर अबंडेंट ऑफ अमीनो एसिड यहाँ पर होंगे, ठीक है, विच एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो प्रोटीन है उनको आप बोलते हो हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पर जो खास तरह के पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, इन प्रोटीन का एक नाम है, वेरी एडवांस प्रोटीन, इनको आप क्या बोलते हो, हिस्टोन प्रोटीन। अब क्वेश्चन आता है यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट कि इस हिस्टोन प्रोटीन के पास कौन कौन से दो हिस्टोन प्रोटीन है, एंड एज वी नो प्रोटीन इज पॉलीमर, प्रोटीन इज पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ व्हाट, प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो दो अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, ये हिस्टोन प्रोटीन बनता है, एंड दीज टू अमीनो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, लाइसिन एंड आर्जिनाइन। तो देयर आर टू अमीनो एसिड, देयर आर
two amino acid exist, lysine and arginine. Right, lysine and arginine, positively charged protein, negative combines with negatively charged DNA. ठीक है, वहां हमने देखा कि यहां तो हम स्ट्रक्चर को क्या बोल देते थे, यहां जो स्ट्रक्चर है इसे क्या बोल दिया हमने, न्यूक्लियोइड. तो यहां जो स्ट्रक्चर बन रहा है विच इज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन प्लस नेगेटिवली चार्ज डीएनए, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोसोम. राइट, क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोसोम. रिमेंबर यहां क्या स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोसोम. फाइन, हियर इज न्यूक्लियोसोम. ठीक है, तो हिस्टोन्स आर प्रोटीन दैट आर वेरी रिच इन बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनाइन. बोथ दीज अमीनो एसिड कैरी पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, सो हिस्टोन आर सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज. और ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो होंगे ये क्या करेंगे, आठ आठ का ग्रुप बनाएंगे. ठीक है, क्या करेंगे, ये आठ प्रोटीन का यूनिट बनाएंगे. तो यूनिट ऑफ एट मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन, यूनिट ऑफ एट मॉलिक्यूल बनाएंगे, ये यूनिट ऑफ 8 molecule of histone will be known as histone octamer. Simple octamer word किसके लिए use करते हो आप, octamer word use करते हैं हम लोग 8 के लिए. ठीक है, तो 8 group of 8 molecule है histone का. तो ये हमें दिखेगा कैसे, ये जो structure है ये हमको दिखता है as bead on string. जैसे हम कोई माला लेते हैं, रुद्राक्ष की माला लेते हैं, तो रुद्राक्ष के ऊपर क्या लिपटा हुआ होता है, रुद्राक्ष है फॉर एग्जाम्पल, और इसके चारों तरफ क्या लिपटा हुआ है, इस तरह से डीएनए की माला लिपटी हुई है. तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर. ये अगर आप देखोगे जब माइक्रोस्कोप में तब आपको यह स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बीड ऑन स्ट्रिंग जैसे लगा हुआ. ठीक है, इसको बोलते हैं बीड ऑन स्ट्रिंग. ठीक है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग. द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन है उसमें जब माइक्रोस्कोप में देखोगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे, तब आपको ये बीड ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखाई देंगे. एंड द स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम ही जब आगे रिपीट होता रहेगा, रिपीट्स एंड फॉर्म क्रोमेटिन, यही आगे जाके क्या बना देगा, क्रोमेटिन. क्रोमेटिन आगे जाके कंडेंस्ड होगा ड्यूरिंग डिविजन. रिमेंबर, क्रोमेटिन आगे जाके कंडेंस्ड होगा. ठीक है, यही आगे जाके होगा कंडेंस ड्यूरिंग सेल डिविजन. कंडेंसिस ड्यूरिंग सेल डिविजन एंड फॉर्म्स व्हाट, क्रोमोसोम. क्या बनाता है, क्रोमोसोम बना. ठीक है, क्या बना देगा, क्रोमोसोम बना देगा. फाइन, तो न्यूक्लियोसोम कैसे बना, बाय नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन. व्हाट इज इट, हिस्टोन प्रोटीन. और बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए एंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन. एंड न्यूक्लियोसोम बन गया. न्यूक्लियोसोम रिपीट होके क्या बना देगा, इस तरह का. रिपीट होने के बाद ये क्या बना दिया, यही क्या है, क्रोमेटिन है. किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर. यही क्रोमेटिन, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, क्रोमेटिन अभी अभी तो बताया आपने भैया, तो यही तो क्रोमेटिन है. नहीं, अब ये क्या बन चुका है, अब ये क्या बन चुका है, ध्यान से देखो, अब ये क्या बन गया, कंडेंस्ड होने के बाद ड्यूरिंग डिवीजन लग रहा है शेप लेता हुआ. तो दिस इज क्रोमोसोम. क्लियर, दिस इज क्रोमोसोम. तो क्रोमेटिन ही जब सेल डिवीजन के टाइम पर कंडेंस हो जाएगा तो आप उसे क्या बोलोगे, क्रोमोसोम बोलोगे. ठीक है, हेयर आर सम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन. कुछ ऐसे एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन होते हैं दैट कंट्रीब्यूट टू पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल. ठीक है, तो ये याद रखते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट है विच इज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन. नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, या इसको आप क्या बोलते हो, एनएचसी प्रोटीन. एनएचसी प्रोटीन, राइट, एनएचसी प्रोटीन बोल देते हैं. तो ये किस चीज में हेल्प करते हैं एनएचसी प्रोटीन, दे हेल्प इन पैकेजिंग. बेसिकली किस में हेल्प करते हैं, ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए. तो आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए समझ आया, पैकेजिंग ऑफ डीएनए समझ आया. भाई यूकैरियोटिक सेल में अलग तरह का पैकेजिंग दिखता है और प्रोकैरियोटिक सेल में अलग तरह का पैकेजिंग दिखता है. ऐसा क्यों दिखता है, ऐसा क्यों होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में अलग तरह का पैकेजिंग होगा
और यूकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर जो है वो उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, और यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, राइट। तो जो यूकैरियोटिक सेल है वहाँ न्यूक्लियोसोम देखने को मिलेगा और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियॉइड देखने को मिलेगा, बट ये जो पैकेजिंग है इतना कंडेंस्ड क्यों है, ड्यू टू सम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है। द रीजन प्रेजेंट इन क्रोमेटिन आर एज फॉलोज, यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। जहाँ पर ये प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिस वो रीजन जहाँ पर ये एनएचसी प्रेजेंट होंगे, तो दीज आर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन। तो ये कौन से रीजन है, दो रीजन है, जो रीजन है जहाँ पर ये प्रोटीन पाए जाएंगे, रीजन वेयर दीज प्रोटीन आर फाउंड आर ऑफ टू टाइप, यूक्रोमेटिन एंड हेटरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन एंड हेटरोक्रोमेटिन, ठीक है, यूक्रोमेटिन एंड हेटरोक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन आर द रीजन ऑफ क्रोमेटिन वेयर दीज आर लूजली पैक्ड, यूक्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड, ठीक है, ध्यान से देखना, इट इज लूजली पैक्ड, तो इसको क्या बोलोगे, इट इज डेंसली पैक्ड, is densely packed. It is light in stain, loosely packed है तो light stain, is dark stain, ठीक है, dark stain. अगर ये loosely packed है, light stain है, loosely packed है, light stain है, तो obviously transcriptionally active होगा. ये मैं समझाता हूँ, एक second, transcriptionally active होगा. फर्स्ट पॉइंट लूजली पैक्ड, सेकंड पॉइंट लाइट स्टेन, थर्ड पॉइंट ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, फर्स्ट पॉइंट डेंसली पैक्ड, सेकंड पॉइंट डार्क स्टेन एंड थर्ड पॉइंट ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, समझो, ये क्रोमेटिन है, आपको दिख रहा है ये लूजली पैक्ड है, तो ये क्या होगा, ये होगा यूक्रोमेटिन, लूजली पैक्ड है। अब आपको ये इतना सा देखो, ये लाइट स्टेन दिख रहा है ना, स्टेन मतलब कलर, तो ये माइक्रोस्कोप में देखोगे तो स्टेन मतलब कलर, लाइट ही दिख रहा है आपको, वही ये वाला क्रोमोसोम है। अब देखो बहुत ज्यादा उलझा हुआ है ये, तो ये कैसा दिखेगा, डेंसली पैक्ड। अब डेंसली पैक्ड है तो क्या ये डार्क दिख रहा है, हाँ यहाँ डार्क दिख रहा है ये। अब मुझे ये बताओ, ये फॉर एग्जाम्पल धागे हैं और आपको इन धागों को सुलझाने की बात की जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब बेसिकली इनको सुलझाना ही है, हम जेनेटिक की आगे प्रोसेस में पढ़ेंगे सेंट्रल डोगमा में, ट्रांसक्रिप्शन इसका आगे जो प्रोसेसिंग है, तो किसकी प्रोसेसिंग, किसको सुलझाना आगे इजी होगा, यूक्रोमेटिन को सुलझाना इजी होगा या हेट्रोक्रोमेटिन को सुलझाना आपके लिए इजी होगा। ऑब्वियसली आप यूक्रोमेटिन बहुत जल्दी सुलझा दोगे, क्यों, क्योंकि इट इज लूजली पैक्ड और हेट्रोक्रोमेटिन में जन्म लग जाएंगे बिकॉज इट इज डेंसली पैक्ड। इसीलिए मैंने बोला कि यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एंड हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, समझ आया। तो दीज आर टू टाइप ऑफ रीजन वेयर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन एग्जिस्ट विच हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, वी डिस्कस्ड अबाउट जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक मॉडल हु डिस्क्राइब दैट डीएनए आर मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर backbone forms by the sugar and phosphate and nitrogen bases form the internal structure and it binds with the complementary base pairing of AT with double hydrogen bond and CG with 3 hydrogen bond. Here exist the anti-parallel polarity of 3 to 5 dash and 5 to 3 dash. Next we discussed about hydrogen bond ATCG. Two polypeptide chain are coiled in right-handed fashion. ये right-handed fashion में होंगे. Then pitch of the helix. Pitch of the helix is what? Pitch of the helix is 3.4 nanometer, right? And total number of base pairs is 6.6 into 10 to power 9 base pair. Distance between two base pair is in a helix is 0.34 nanometer. And length of DNA we can simply calculate by multiplying the total number of base pairs into distance between two base pair in helix, which is length of DNA. It comes around 2.24 meter. एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो वो ज्यादातर न्यूमेरिकल आपके जो
आएंगे भाई एडेनिन में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि एडेनिन निकालना और थायमिन निकालना ये कैसे होंगे. तो आप ये याद रखना, ये एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस टी इज इक्वल टू 100 माइनस जी प्लस सी, यानी कि ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी टोटल कितना होगा, 100 होगा. ठीक है, तो इससे आप ये फॉर्मूले से आप काफ़ी सारे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स होंगे मैं बताऊंगा वो निकाले जा सकते हैं. ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जो आप याद रखोगे, ए प्लस टी इज इक्वल टू 100 माइनस जी प्लस सी. फाइन, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. इस तरह से कथा समाप्त. टेक केयर, राधे राधे.